नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मोदी सरकार में मंत्री बने अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में ली पद की शपथ। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्री बनाया है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें मंत्री बनाए जाने की जानकारी हालांकि दिन में ही गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर दे दी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मजबूत साथी के रूप में शामिल होने पर हमारे पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक श्रद्धेय अमित शाह जी की शुभेच्छा मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वह 1984 से 1985 में भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए, लेकिन आज बीजेपी में सबसे मजबूत कड़ियों में से एक हैं। अमित शाह ने कई बार गांधीनगर लोकसभा सीट से पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी के लिए चुनावी रणनीति बनाई। अमित शाह साल 1997 में सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत करके गुजरात विधानसभा पहुंचे। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि अमित शाह ने गुजरात सरकार में 2003 से लेकर के 2010 तक कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। अमित शाह को साल 2014 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 71 लोकसभा सीटें जीतने का क्रेडिट भी दिया गया। उन चुनाव में शाह यूपी के प्रभारी थे और राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष थे, लेकिन फिर जब सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया तब अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। खैर, ये थी अमित शाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल में खास रिपोर्ट। श्री अमित शाह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।